हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आम परिवहन और संचालन पाठर एक नंबर रु आठ नंबर जाए डिस्कसन कर सारी। आज आम नौ नंबर रु चौदह नंबर जाए डिस्कसन करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेबे चलंतु नौ नंबर रु चौदह नंबर जाए डिस्कसन करवा। आशा करूँ एक नंबर रु आठ नंबर जाए समस्त डाउट क्लियर हो जाइ आ कहार किसी डाउट नदी कहार किसी डाउट अच्छे तेज मत कमेंट करके जनातु। ओके, तो आज आम नौ रु चौदह नंबर जाए डिस्कसन करवा। तो प्रथम जीवा आम नौ नंबर को। नौ नंबर क्वेश्चन कौन दे संक्षेपर उत्तर दि है संक्षेप मान कौन मात्र दुई रु तीन टा पॉइंट लिख ता बेस लिखे मात्र दुई रु तीन टा पॉइंट लिख है। प्रथम क्वेश्चन पचारि कैशिक आकर्षण जो जलर पर किपर हो कैशिक आकर्षण जो जलर पर किपर हो देख कौट लिख प्रथम दुटा पॉइंट छाड़देव है तृतीय पॉइंट लिख जाइलेम नली कैशिक नली सदृश यह मध्य जल कैशिक आकर्षण जो ऊपरक उठे 0.01 mm व्यास विशिष्ट जाइलेम नली जल तीन मीटर उच्चता पर्यंत उठी पारे। केतक जाइलेम नली व्यास 0.001 mm रु कम उक्त नली जल 10 मीटर पर्यंत ऊपरक उठी पारे ताठू अधिक नुहे। छोट छोट कम उच्चता विशिष्ट गच्छाई कैशिक आकर्षण जनित जलर पर संभवपर मात्र उच्च वृक्षपाई यह पर्याप्त नुहे बुझागल बास ये लिख जदि हम मैंने डबल नंबर पॉइंट को टी आड कर नली मध्य जलर उच्चता वृद्धि नलीर व्यास निर्भर करे। नलीर व्यास जिते कम हुए जलर उच्चता से ही अनुसार अधिक हुए। ये नली बदल कौन लिख ना जाइलेम है जाइलेम नली लिख बुझा जाइलेम नली ओके। तापर जी भावे ख नंबर को ख नंबर क्वेश्चन कही मनीषर रक्त वर्ग किपरी निर्णय करा जाए मनीषर रक्त वर्ग किपरी निर्णय करा जाए। देख प्रत्येक व्यक्तिर एक निर्दिष्ट वर्गर रक्त थाए वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनियर प्रथम यार आविष्कार करते किए करते वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनियर से दर्शेले जे लोहित रक्त कणिकार बाह्य आवरण में किसी विशेष प्रोटीन थाए यही प्रोटीन को से एबी नाम नामित कले आंटीजेन कहुए। प्लाज्मा मध्य दुई प्रकार प्रोटीन थाए जमीक आंटी ए आउ आंटी बी एगुड़ी को आंटीबॉडी मध्य कहुए कौन कहुए आंटीबॉडी आंटीजेन और आंटीबॉडी विशेषत्व हूँ एक निर्दिष्ट आंटीबॉडी तापाई उद्दिष्ट आंटीजेन को ही चिन्ही पारे है। आंटीजेन आउ आंटीबॉडी उपर निर्भर कर मनीषर रक्त को चारोटी वर्ग में विभक्त कर कौन कौन ए बी आउ ओ ओके। तापर जीवा में ग नंबर को मनीष हृत्पिंडर प्रकोष्ठ और कपाटिकार अवस्थित लेख मनीष हृत्पिंडर प्रकोष्ठ केतटा प्रकोष्ठ अच्छे आउ कपाटिका क्यों प्रकोष्ठ पाखे क्यों कपाटिका अच्छे तार अवस्थित लेख। देख प्रथम हृत्पिंडर अवस्थित मनीषर बक्षक और मध्यस्थल दुई फुसफुस मझीरे मध्य छदर उपर सामान्य बाम को हृत्पिंड अवस्थित है यही साइड कौन हृत्पिंड अवस्थित ओके। गठन छाड़ दियो है हृत्पिंड गोटे फंपा मांसल जंत्र और पेशी निर्मित गोटे व्यवधारक पट द्वारा दुईट पृथक अंश में विभक्त ऊपर दुईट प्रकोष्ठ को दक्षिण अलिंद बाम अलिंद तल दुईट प्रकोष्ठ को दक्षिण नील और बाम नील कहुए है। ऊपर दुटा प्रकोष्ठ कौन कहुए बाम अलिंद आउ दक्षिण अलिंद तल दुईट प्रकोष्ठ कौन कहुए ना दक्षिण नील आउ बाम नील बुझा पड़ा बाम नील आउ दक्षिण नील। तापर दक्षिण अलिंद सहित ऊर्ध महाशिरा निम्न महाशिरा दक्षिण अलिंद सह कौन ऊर्ध महाशिरा निम्न महाशिरा दक्षिण नील सहित फुसफुस धमनी बाम अलिंद सह फुसफुस शिरा आउ बाम नील सह महाधमनी संयुक्त हो है।
से आम क्वेश्चन पचारे मनीषर हृत्पिंडर प्रकोष्ठ आ कपाटिकार अवस्थित लिख प्रकोष्ठ लिखिदेले है देख कौ कौ पॉइंट मुझे से ही पॉइंट लिखो बेस कि लिखनी से क्वेश्चन पचारे क्वेश्चन आमको जीक पचारे से लिखा से पचारे कौन मनीष हृत्पिंडर प्रकोष्ठ आ कपाटिकार अवस्थित लिख तो कौन कर मनीषर हृत्पिंडर अवस्थित या संपूर्ण छाड़देव है टोटाल या छाड़देव तापर गठन गठन टोटाल छाड़देव या लिखने हैला तापर हृत्पिंडर पार्ट को क्यों कहा सह किए संयुक्त या छाड़देव आ बाकी दुटा पॉइंट लिख कौन हृत्पिंडर गोटे फंपा मांसल जंत्र आउ पेशी निर्मित गोटे व्यवधारक पट द्वारा दुईट पृथक अनुसार विभक्त ऊपर दुईट प्रकोष्ठ को दक्षिण अनिंद बाम अनिंद तल दुईट प्रकोष्ठ को दक्षिण निलय और बाम निलय कहुए ट्रिपल आई रे हृत्पिंडर दक्षिण अनिंद निलय द्वार तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका बाम अनिंद आउ निलय द्वार दुई पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका निलय और रक्तवाहिनी मध्य अर्धचंद्राकृति कपाटिका थाए बस से दुईटा पॉइंट पचारे दुईटा पॉइंट आम लिखा है आ बेस किसी लिखन तापर जी आम घ नंबर को कौन दे क्यों कारक मान जो जल मूल गछर अग्रभाग पर्यंत जाए क्यों कारक जो जल मूल गछर अग्रभाग पर्यंत जाए क्यों कारक मान जो जल मूल अग्रभाग पर्यंत जाए है देख प्रथम उष्वेदन उष्वेदन प्रक्रिया द्वारा कौन हो पत्र बहु परिमाण जल मोचित होष्प आकार वायुमंडल चली जाए जहाँफल पत्र फल कौन जाए जल विश्रण चाप कमिजे बुझा पड़ा से विश्रण चाप ह्रास जो पत्र शिरा प्रशिरा जल पत्र फलक मध्य गति कै है पत्र फलक को गति करे फल शिरा प्रशिरा विश्रण चाप कमी जाए यह द्वारा कांडर जाइलेम रु पत्र शिरा प्रशिरा को जल गति करे प्रथम पत्र कौन जाए उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा जल कमी जाए जहाँ को पूरण केमी करती ना गचर शिरा प्रशिरा जल पत्र को जाए जहाँफल कौन गचर शिरा प्रशिरा कौन जल विश्रण चाप कमी जाए जहाँफल कौन जे पत्र कांडर थी कौन जाइलेम टीस्यू जाइलेम जाइलेम रु कौन जाए पत्र शिरा प्रशिरा को जल गति करे शेषर यही टाइप जो जल एम गति कर प्रथम कौन जाइलेम रु शिरा प्रशिरा पत्र को पत्र वायुमंडल को तो ये कौन जो जल गोटे कौन निरविच्छिन्न धारा गोटे प्रवाहित होला आहकी सहजे छिन्न हुए ना तेज केमी हो ना जलर गोटे जल अणुर पारस्परिक सहशक्ति बल द्वारा कौन जे परस्पर को आकृष्ट कर रखि था आउ जल आउ जाइलेम भितर थी संलग्न बल जो जल कौन सर्वदा जाइलेम भित्ति सह लगिक रही था आउजे छिड़े ना बुझा होगा तापर जी आम व नंबर को उद्भिदर जलर पर मूलज चापर भूमिका कौन मूलज चापर भूमिका कौन देख कौन से गोटे उद्भिद को जब आम अधारू काटिदा जदि अधार एम काटिद क्षेत्र स्थान कौन जे जलय पदार्थ निर्गत होते क्षेत्र स्थान कौन जल एम निर्गत होते है तो यहाँ कहीं हूँ कहीं ना देख मूल सृष्ट एक चाप द्वारा कौन जे ये जल निर्गत होप कौन कह मूल चाप मूल किसी कौन चाप पड़ी या उपरे जहाँफल कौन जे जल एम निर्गत होप कौन कह ना मूल चाप बुझा पड़ा जदि गोटे मनोमीटर से गछर कटा अनुसार खंजी दि जाए तेज से ही मूल जो चाप सृष्टि हुए तापा जा पाए आयुमंडल चाप द्वारा केम बेसी निर्णय करे जदि से खटा अनुसार से सरी कटा अनुसार आम कौन गोटे मानोमीटर को खंजी देवा तेज से केप मूल केप सृष्टि होमें मापि पार उच्च वृक्ष गुड़िक चाप अधिक होगा कथा मात्र हुए ना पुणी जितेबाला उच्छेदन बेग सर्वाधिक अर्थात जितेबाला सर्वाधिक जल ऊपर को उठी थाए ठीक से मूलज चाप सर्वनिम्न होता है तेणु अधिकांश उद्भिद विज्ञानी वृक्षर जल पर मूलज चापर भूमिका को विशेष गुरुत्व दिखते ना जितेबाला उच्छेदन प्रक्रिया अधिक हम जल कौन सरी सरी जीव पत्र
ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ପତ୍ରର ଜଳ ଜଳ ସରିବ ସେ ପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜଳ ସରିବ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜଳ କେଉଁଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ଜାଇଲେମ ଟିସିରୁ ବୁଝା ଗଲା ଜାଇଲେମ ନଳୀରୁ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ହେବ ତେବେ କ'ଣ ଯେ ପାଣିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଧିକ ହେବ। ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳଜ ଚାପର କିଛି କାମ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୂଳଜ ଚାପ କ'ଣ ସେତେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଦଶ ନମ୍ବରକୁ। ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମଣିଷର ରକ୍ତର କେଉଁଠାରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ରକ୍ତର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆବରଣ କ'ଣ ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ କ'ଣ ଥାଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ପ୍ଲାଜମାରେ କ'ଣ ଥାଏ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନର କେଉଁ ଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ଆର୍ ଏଚ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥିବାର ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। ହେଲା, ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ରୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କ'ଣ ଯେ ଆର୍ ଏଚ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, କେତେ ନା ଚାରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ। ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ୱେତସାର କିପରି ଭାବରେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, କିପରି ଦେହ ସେ ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ ଯେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ଲୋଏମ ନାମକ ଏକ ସମବାୟ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା? ପ୍ଲୋଏମ ଦ୍ୱାରା। ଜାଇଲମର କାମ କ'ଣ? ଜଳକୁ ପତ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ଲୋଏମର କାମ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ହେଲା, ୱାନ୍ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଗଛର ମୂଳଜ ଚାପ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଇପାରେ? କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ନା ମାନୋମିଟର। କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର? ମାନୋମିଟର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଏଗାର ନମ୍ବରକୁ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, କେଉଁ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଧମନୀ। ଶିରାରେ କାହାର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ପଛକୁ ଫେରିପାରି ନାହିଁ? କାହାର? ନା କପାଟିକା। ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳ ଦ୍ୱାରରେ କେତୋଟି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ରହିଛି? କେତୋଟି? ନା ତିନି ପାଖୁଡ଼ା। ନୀଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ବାହିନୀରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କପାଟିକା ରହିଛି? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା। ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳର ନିର୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉଚ୍ଛେଦନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ବାର ନମ୍ବରକୁ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ୱେତସାର ଡ୍ୟାସ୍ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ପ୍ଲୋଏମ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସର୍ବଜନଦାତା କୁହାଯାଏ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ବାମ ନୀଳୟ, ଇଏ ବାମ ବୁଝା ଗଲା, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ବାମ ନୀଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କପାଟିକା ଡ୍ୟାସ୍ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ, ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଟିସୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଟିସୁ? ନା ଜାଇଲେମ ଟିସୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ଉଚ୍ଛେଦନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ଡ୍ୟାସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ନା ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ତେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ବାକ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ବଦଳାଇ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ହେଲା, ଦେଖ, ଧମନୀ ବାଟ ଦେଇ ମଣିଷର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଧମନୀକି ସିଏ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶିରା। ତାପରେ ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନୀଳ ଦ୍ୱାରରେ ଚାରିପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଳି ରହିଛି। ଚାରିପାଖୁଡ଼ା କି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ରହିଛି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏକକ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଦେଖାଯାଏ, ଏକକ କି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ। ହେଲା, ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ। କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳର ସହଶକ୍ତି ବଳ ଦରକାର। ହେଲା, ସହଶକ୍ତି ବଳ କି ନାହିଁ, କ'ଣ? ଜଳର ପରିବହନ ଦରକାର। ତାପରେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଚଉଦ ନମ୍ବରକୁ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ଅନୁପାତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ସହ କିଏ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି? ମା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ। ବାମ ନୀଳୟ ସହ କିଏ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବ? ନା ମହାଧମନୀ। ଜୋକଲାଳ ହିରୁଡ଼ିନ, ମଣିଷ ରକ୍ତ ହିପାରିନ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆବରଣ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି, ମୂଳଜ ଚାପ ଚେର,
कैशिक आकर्षण पत्र ओके तो बर्तमान आम तुम टोटल एक नंबर रु चौदह नंबर जाए संपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो सारी ओके तुम परिवहन और संचालन पाठर एक नंबर आरंभ करके चौदह नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो सारी जदि पूर्व वीडियो दुटा देखने तेरे चैनल रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्ले लिस्ट लिंक दिया जाए क्लिक करके देखी नि ओके तो आशा करूँ समस्त को एक नंबर रु चौदह नंबर जाए बुझा पड़ो है जहाँ को जहाँ बुझा पड़नी आउ थे रिपीट करके देखी दियो बुझा पड़ा आज पे पुणी देखा हम नेक्स्ट क्लास धन्यवाद।